गाइस, ये शो इवेंट एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर केटो डाइट करना चाहते हो, जिसको मैं प्रमोट नहीं करता हूँ उतना, बट यू नो आई लव टू एक्सपेरिमेंट विथ माई डाइट। सो आई कीप समटाइम्स आई चेंज द डाइट, मतलब एक वीक के लिए आई थिंक आई गो ऑन केटो अगर मूड हुआ तो। तो हाँ, मूड पे तो यही है कि आज मैं केटो डाइट ट्राई कर रहा हूँ, और आई हैव ट्राई दैट बिफोर ऑल्सो। एंड इफ़ समवन वांट्स टू गिव इट अ ट्राई, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि केटो डाइट आप कैसे कर सकते हो, आप अपने केटो डाइट को कैसे बना सकते हो, और कौन से फूड्स के ऊपर फोकस कर सकते हो वाइल बींग ऑन अ केटो। मैं आपको अपने मील्स दिखाऊँगा जो मैं खा रहा हूँ केटो डाइट पे, जो कि मैं सिर्फ 1 वीक के लिए करने वाला हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई डाइट अ लिटिल बिट। बहुत मतलब बहुत दिनों से मैं एक ही डाइट पे हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अ शिफ्ट। लाइक आपकी बॉडी भी बोर हो जाती है अगर मैं उसको, अगर आपको रोज़ मैं दाल चावल खिलाऊँ तो आप भी बोर हो जाओगे। तो वही है, आई एम चेंजिंग माई डाइट अ लिटिल बिट। तो आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ केटो पे 1 वीक के लिए, और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि आप क्या खा सकते हो, कौन से फूड के ऊपर फोकस करोगे, आप मेरा भी डाइट फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबकी बॉडी सेम नहीं होती है। मेरी बॉडी का वेट 67.40 है अभी, सो मैं उसके हिसाब से 17 आई थिंक आई कितना 1724 कैलोरीज के ऊपर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। दैट्स माई गोल टुडे, एंड आई विल एक्सप्लेन टू एवरीथिंग दैट्स ऑन केटो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, मील नंबर 1 फॉर केटो, एंड दिस इज 4 होल एग्स, लार्ज होल एग्स, और इसमें अराउंड मुझे मिलता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो 25.16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स 1.54 और फैट 19.8, जो मैं साइड में आपको पूरा मैक्रोस का डिटेल्स साइड में दे दूंगा। तो अभी जो मेरा टारगेट है वो है 107 ग्राम पॉइंट 19 फैट, 153.48 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 43.85 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो ये मेरा टोटल दिन का टारगेट रहेगा। और बेसिकली आई एम, एक और चीज़ जो मैंने ये 4 होल एग का जो ऑमलेट बनाया, भुजिया बनाया आप बोल सकते हो, क्योंकि मैंने देखी इसका हालत क्या कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये भुजिया बन चुका है। और इसमें मैंने जो ऑयल यूज़ किया है वो ऑलिव ऑयल है, कुकिंग स्प्रे वाला, लेकिन वहाँ पर वो लोग लिखते हैं कि 0 कैलोरीज है, लेकिन एक्चुअली वो 0 कैलोरीज नहीं होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कैलोरीज ज़रूर होता है। ऑयल है यार, थोड़ा तो कैलोरी ज़रूर होगा। आई डोंट नो किस हिसाब से वो लोग वहाँ पर 0 कैलोरीज लिख के रखे हैं, आई नो इट्स नॉट 0 कैलोरीज, बट आई डोंट, मतलब मैं उतना ऑयल इस्तेमाल नहीं करता अपने खाने में, बहुत ही कम करता हूँ, बहुत ही कम। द ट्रिक दैट आई यूज इज, मैं अपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देता हूँ, टाइम लगता है लेकिन देयर इज़ अ फाइन, जलते नहीं है ज़्यादा। तो दिस इज़ माई फर्स्ट मील, और केटो में अभी मेरा जो फोकस है, आई एम टेकिंग 55 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज फ्रॉम फैट, 35% फ्रॉम प्रोटीन एंड 10% फ्रॉम कार्ब्स, एंड दैट्स द मैक्रोस। और बॉडी सबकी एक नहीं है, इससे मैं मीन करना चाहता था कि सबका बॉडी वेट अलग होता है, हाइट अलग होता है, तो उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डाइट बनाना पड़ेगा, एंड देन आप ट्राई कर सकते हो केटो। बट इफ़ यू आर समवन ऑफ माई हाइट, लाइक माई हाइट इज़ 5'10" एंड माई बॉडी वेट इज़ 67.40, सो यू कैन ट्राई माई डाइट ऑफकोर्स। और आपको अगर मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, उससे आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज और ये सब ढूंढ सकते हो, तो वहाँ पर जाके देख लीजिए। And let me finish the meal, then I will say, show you the second meal. And उसमें भी थोड़ा थोड़ा और कुछ explain करूँगा। तो and one more source, अगर आप keto पे हो तो yes, whole eggs consume कीजिए, they are a great source of fat and protein. तो meal number 1, आपको अभी मैं मिलता हूँ meal number 2 पे। So guys, second meal of the day, lunch, and this is, और क्या दिखाऊँ, 30 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर, और मैंने इसमें बहुत सारा, अगर देख सकते हो कि बहुत सारा मैंने वेजिटेबल यूज़ किया है। वाई? बिकॉज आप जो केटो पे हो रहे हो ना, तो आप बहुत सारे, मतलब आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही है और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, आपको क्योंकि आपका कार्ब्स बहुत ही डाउन है, तो आपको फाइबर भी ठीक से नहीं मिल रहा है। एंड यू व्हेन आर यू आर इन केटो, आई थिंक आपका जो मेन कार्ब सोर्स है वो वेजिटेबल्स है, और मैंने इसमें ब्रोकोली यूज़ किया क्योंकि ब्रोकोली 50 ग्राम्स ज़्यादा वॉल्यूम में, लेस कैलोरीज, और आपको ज़्यादा
फुल भी रखेगा जब आप खा रहे हो तो. दिस इज़ माई गो टू वेजिटेबल व्हेन आई एम इन केटो. ब्रोकोली, चिकन है 70 ग्राम्स और पीनट बटर है 30 ग्राम्स, जिसमें मुझे टोटल मिल रहा है 27.73 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. कार्ब्स मिल रहा है 8.72 और 15.81 ग्राम्स ऑफ फैट. तो दिस इज़ लाइक ए ट्रीट टू मी. मैं केटो कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी के मज़े ले रहा हूँ, लेकिन मैं डाइट पे हूँ, मेरा कैलोरीज मेंटेन्ड है, तो आई कैन एन्जॉय इट. सो ये मेरा सेकेंड मिला. और आप इसकी जगह पीनट बटर की जगह क्या यूज़ कर सकते हो? देखो, अगर आप पीनट बटर आपके बजट में ज़्यादा पड़ जाए, एंड यू कैन नॉट हैव दिस मच ऑफ पीनट बटर, 30 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर बहुत है, क्योंकि 1 kg का प्राइस ये बहुत 270 और समथिंग आता है. तो आप एक काम कर सकते हो, घर पे रोस्टेड घर पे पीनट्स लाओ, रोस्ट करो, कुछ भी करो, उसको मिक्सर में डालो, बना लो ग्राइंड करके. घर पे पीनट बटर बन सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन आई डोंट प्रेफर दैट. मुझे डिसानो को पीनट बटर बहुत पसंद है, तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ. तो सेकेंड मील ऑफ द डे, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ पोस्ट प्री वर्कआउट पे. सो गाइस, आई वाज इन अ हरी, सो रिकॉर्डिंग है मैंने, मैंने प्री वर्कआउट में क्या लिया है, बट आई हैव टेकन 23 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन. अभी घर आऊँगा, फिर आपको अपना नेक्स्ट मील दिखाता हूँ. अभी मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, वर्कआउट जल्दी से फिनिश करता हूँ, फिर आपको पोस्ट वर्कआउट दिखाता हूँ मेरा. सो गाइस, वर्कआउट हो चुका है एंड आई एम टेकिंग पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन आइसोलेट. और ये 23 ग्राम्स था. इससे पहले मैंने प्री वर्कआउट में, सॉरी फॉर द शेकी कैमरा, इससे पहले मैंने प्री वर्कआउट में 23 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन कंसेंट्रेट लिया था. या आई टेक आइसोलेट प्रोटीन आफ्टर माई वर्कआउट. आई प्रिफर अ मोर फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन आफ्टर माई वर्कआउट इज़ डन. सो 23 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन आइसोलेट आ पोस्ट वर्कआउट एंड प्री वर्कआउट 23 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन कंसेंट्रेट. एंड दैट वॉज इट. एंड राइट नाउ विल टेक सम पीनट्स आफ्टर इट हैज बीन 30 मिनट्स सिंस माई वर्कआउट इज डन. सो राइट नाउ विल टेक पीनट्स 66 ग्राम. सो गाइज, टेकिंग माई स्नैक एंड हेयर इट इज. इट हैज़ कितना है, 66 ग्राम्स ऑफ पीनट्स. और ये कोई दुकान से लाया हुआ, वो तला हुआ तेल में भजा हुआ, वो सब वो नहीं है. ये नॉर्मल रॉ मैंने लाया था एंड आई मेड इट विदाउट एनी ऑयल. एंड ये 66 ग्राम्स के साथ मैं एक और चीज़ भी ले रहा हूँ, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं आपसे. डैंडिलॉन टी आई टेक इट डेली राइट नाउ, बिकॉज ये मेरा फेवरेट टी है. बट ये कोई नेसेसरी नहीं है कैटो राइट पे. आप ग्रीन टी ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो. एंड पीनट्स, ऑफकोर्स पीनट्स इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन इफ़ यू आर इन अ केटो. तो 66 ग्राम्स ऑफ पीनट्स. और मैं आखिर में डिनर लेने के बाद मैं आपको टोटल मैक्रोस बता दूंगा पूरे दिन का कितना हुआ है. तो अभी मैं स्नैक को ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपको अपना डिनर डाइट दिखाऊंगा. और गाइज, शिनचैन देखते देखते अभी मैं अपना डिनर ले रहा हूँ. दैट इज अगेन द सेम शिट अगेन, चिकन ब्रोकोली एंड पीनट बटर दैट आई हैव इन लंच. और कितने लोग ये शो देखते थे बचपन में, आज भी देखते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. इसके बाद मैं एक और मील लूँगा और वहाँ पर ये ख़त्म होगा. और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए. हाँ, अगर आप इतना पीनट बटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप पीनट ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो इसके जगह पे. मतलब लेस, अपने पीनट बटर को थोड़ा अमाउंट को थोड़ा सा कमा दो, और बाकी जो रहेगा वो पीनट, नॉर्मल पीनट से आप कंज्यूम कर सकते हो. या फिर एक काम कर सकते हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, ब्रोकोली और पीनट बटर का नहीं छोड़ दो. इसके बाद एक और मील है और उसके बाद आज का कीटो डाइट कंप्लीट. ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपके बजट में आएगा और बहुत सिंपल डाइट है. अगर आप चाहते हो कि मैं रेसिपी में बना चुका हूँ, कुकिंग 101 का जो सीरीज़ है आप उसको चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में एडेड है, चेक कर लो. और इसको भी ख़त्म करते हैं, फिर एक और मील है वो भी आपको दिखाऊंगा. पहले इस मील को ख़त्म करते हैं. सो गाइस, लास्ट मील ऑफ द डे एंड आई डोंट नो केटो में दूध यूज़ होता है कि नहीं. आई मे से अ फेल डाइट, अ फेल ट्राई टू डू अ केटो डाइट, लेकिन मैं इसको कह सकता हूँ कि चीपेस्ट वेट लॉस और फैट लॉस डाइट आप ट्राई कर सकते हो. तो लास्ट मील पीनट्स, और ये मैंने तेल में नहीं भाजा है पहले वाले की तरह, बस नॉर्मल कढ़ाई में थोड़ा सा उसको
गरम करके मैंने कर लिया इसको, एंड सम मिल्क विथ वे प्रोटीन। जो टोटल मैक्रो जो खड़ा हुआ है उसका मेरे दिन का, मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द मैक्रोस, सो मैं इसको एक्चुअली केटो बोल सकता हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इट इज़ द इजिएस्ट डाइट दैट यू कैन फॉलो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और टोटल जो प्रोटीन इंटेक्स था दिन का, वो है प्रोटीन 154.92, कैलोरी कार्ब्स 44.01, एंड फैट इज 101.। तो टोटल कैलोरी जो उतर रहा है आज का वो है 1707.06। थोड़ा सा और कैलोरीज भी मैं ऐड कर सकता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कितना होगा। अराउंड आप सोच लीजिए 1730 या 1735 कैलोरीज श्योरली आ रही है, क्योंकि ऑयल का भी कैलोरीज हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल ऑल्सो हैज कैलोरीज, राइट? सो जीरो कैलोरीज लिख सकते हो लेकिन जीरो कैलोरीज होता नहीं है। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, टू गिव इट अ ट्राई अगर आप चाहते हो। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर पीनट बटर नहीं ले सकते हो तो नॉर्मल पीनट से काम चलाओ, या फिर आप थोड़ा सा ऑप्शन देखो नेट पे। मैं आपको ऐसे ही और भी टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा फॉर श्योर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पूरा देख रहे हो तो पूरा लाइक भी कर दो, थोड़ा सा इस चैनल को शेयर भी कर, वीडियो को शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।